नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़ अंधेशक के साथ छलावा। जवाब मांगता है आम शोषित पीड़ित दमित अंधेशक। ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव वीडियोस के साथ मैं दिखाना चाहूँगा पूरे सुबेद के साथ किस तरीके से मानदेय कटौती की गई थी और उनको वादा किया गया था 70,000 मानदेय देने का, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। आज तक की ये ब्रेकिंग न्यूज़। कल भी मुख्यमंत्री ने माननीय हाईकोर्ट का आदेश ना माना और 2,000 सिर्फ बढ़ाए। रैलियों में कहा था हम 70,000 करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं किया। करते हैं आज का पूरा वीडियो विद सबूत के। पुनः एक बार सभी दोस्तों का वंदन अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। वतन को लूटने वालों हमें गद्दार कहते हो, वतन को लूटने वालों हमें गद्दार कहते हो। हमारे दिल को चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। लवादा ओढ़े फिरता है खिजर जो हक परस्ती का, जो खोदा जाए घर उसका तो कब्रिस्तान निकलेगा। जो खोदा जाए घर उसका तो कब्रिस्तान निकलेगा। ये मेरे उस्ताद शायर की ये चंद लाइने चंद असार आप सभी को दिखाता हूँ आज की हाइलाइट स्पेशल कवरेज न्यूज के माध्यम से। अंधेशक न्यूज तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। हम सारे लोग बहुत हताश महसूस करते हैं कभी कभी कि ये तो इनके पास कोई जादुई चिराग है जिससे ये चुनाव तो जीत जाएंगे, प्रचंड बहुमत भी ले आएंगे और फिर किसी की नहीं सुनेंगे। तो उसमें आपने बहुत बड़ा डेंट मारा है। साथियों, अब सभी जानते हो किस तरीके से हमारा अपमान किया गया है, अल्प मानदेय 2,000 बढ़ाकर। और आज पीड़ित दमित अनुदेशक गिड़गिड़ा रहा है, सभी के सामने फरियाद लेके खड़ा है, मोबाइल खड़ा हुआ है कि कब उसका हक और सम्मान मिलेगा। यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूँगा आपको अपने चैनल के माध्यम से, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हम सबकी है जिम्मेदारी। डिबेट से बनेगी बात हमारी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी आवाज़ को डिबेट टीवी चैनल्स और अन्य माध्यमों से नहीं उठाएंगे तो कौन आपकी बात मानेगा। क्योंकि कहा गया है जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। क्रांतिकारी तबीयत के लोगों, आपको एक और शेर के माध्यम से जगाना चाहूँगा। बता दे सरकार हमसे प्यार है कि नहीं, हमारे नसीब में कोई बहार है कि नहीं। वादे की उम्मीद पे ठहरी हैं सांसें हमारी, वादे की उम्मीद पे ठहरी हैं सांसें हमारी। आपको हमारे दर्द से सरोकार है कि नहीं। ये अनुदेशक आपसे फरियाद कर रहे हैं सरकार के दामन में कहाँ जाएं हम बिछड़ के आपसे। लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा कीजिए। 17,000 मांगे का कवर आपको कवर यहाँ पर दिखाना चाहिए। हालांकि पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे सबूत के साथ, क्योंकि हम परेशान हैं, हताश हैं। आप देख रहे हो तस्वीरें किस तरीके से हम अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं, किन मुश्किलातों में। यहाँ पर आपने क्या क्या वादे किए थे, विद्यालयों में कार्यरत अंधेशकों को नियमित किया जाएगा, लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। आपने अपनी मनमानी की, हाई कोर्ट से हम जीत गए, आपने वहाँ से भी हमको नहीं हक सम्मान दिया। लगातार कई बार आपको हमने निवेदन पत्र फरियाद के रूप में ज्ञापन दिए, लेकिन कोई हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। हम हमेशा हाथ जोड़े आपके दरबार में चलते रहे। ये अनुदेशक जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं और मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अंधेशक संघ ने मानदेय पर जाहिर की है नाराज़गी। वर्ष 2017 से केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 17,000 कर दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे लागू नहीं किया और दिया सिर्फ 530 रुपये। सही मायने में बुधवार को मुख्यमंत्री जी ने इसको 530 रुपये ही बढ़ाया है, क्योंकि 1470 काट लिया था, अब 2,000 बढ़ाएं तो आप गुणा भाग करके आप देख लीजिए, घटा बढ़ाकर 530 रुपये ही हाथ लगे हैं। जो कि समस्त अनुदेशक कह रहे हैं कि हमको ये मानदेय अस्वीकार है। साथियों, क्यों ना अस्वीकार करें, क्योंकि केंद्र ने जब बढ़ा दिया 17,000 तो वो 17,000 कहाँ गया। कोर्ट ने आदेश दिया था 9% ब्याज के, वो 17,000 कहाँ चला गया, कौन डकार गया।
राज्य मुख्यालय जूनियर अन्वेषकों में काम कर रहे अंशकालिक अन्वेषकों ने 2000 रुपए बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की है। उच्च प्राथमिक अन्वेषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भोलानाथ पांडे ने कहा है कि पिछली सरकार ने हमारा मानदेय 7000 से बढ़ाकर 8470 किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वर्ष 2019 में इसे घटाकर 7000 पर फिर से ला दिया। 2013 में 7000, 2009 में 9 साल हो गए हैं लगातार 7000 में काम करते हुए। अगर अब बढ़ाया भी तो ऊंट के मुंह में जीरा, आपने एक विवादा अपना नहीं निभाया जो आप भरे मंचों से कह रहे थे कि हम अन्वेषकों का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे, उन्हें 17000 देंगे, उन्हें नियमित करेंगे, लेकिन एक विवादा नहीं होना। मैं यहाँ पर सबूत के साथ में राज्य परियोजना का ये आदेश है जिसमें 8470 से घटाकर 7000 रुपये किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे थे कि हमने कभी किसी के मानदेय की कटौती नहीं की, ये राज्य परियोजना भी आपके अंडर में आता है, इनकी कैसे हिम्मत हुई कि हमारा मानदेय 8470 से घटाकर 7000 कर दें? क्यों राजनीतिक वैर हम भोले वाले राष्ट्र निर्माताओं से किया गया? 15 जुलाई 2019 का ये आदेश है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनका मानदेय अब 8470 के जगह 7000 दिया जाएगा और रिकवरी कर ली गई जो दिया गया, जो भुगतान किया गया था मानदेय का 13000 समथिंग, 13500 रुपये रिकवरी की गई थी, जिसका सबूत सभी अन्वेषकों की पासबुक में आज भी प्रिंट है, वो किसी से छुपा नहीं है। और आप कह रहे थे हमने कभी किसी अन्वेषक या किसी भी क्या की मानदेय कटौती नहीं की। विजय किरण आनंद जो कि राज्य परियोजना निदेशक थे उस समय, जिनको देश का सबसे बेहतरीन अधिकारी कहा जाता है, उनके माध्यम से ये नाइंसाफी अन्वेषकों के माध्यम से अन्वेषकों के लिए की गई थी साथियों, और वो फरियाद लेकर हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से जीत कर आए, लेकिन सरकार ने अवमानना की, वहाँ की बात नहीं मानी। और यहाँ पर एक और समाचार आ रहा है फर्रुखाबाद से, प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने शिक्षा मित्रों अन्वेषकों का स्थानांतरण, शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है मुख्यमंत्री जी को। 19 सूत्रीय ज्ञापन बीएसए लालची यादव के माध्यम से दिया है साथियों। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को समाप्त किया जाए और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो, शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए साथियों। यहाँ पर ये समाचार फर्रुखाबाद से, हर जगह से आवाज़ उठती हुई सरकार के खिलाफ। 69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों के अवशेष एरियर का भुगतान सामूहिक रूप से जल कराया जाए, प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो, इसी के साथ अन्य मांगों को भी जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई। शिक्षक संगठन के नेताओं ने जिला स्तरीय समस्याओं को लेकर बीएसए को ज्ञापन दिया। कहने का मतलब ये है कि हर तरफ धुआं उठा हुआ है, हर तरफ, क्योंकि धुआं जहां उठता है वहीं आग लगती है, और आग लगी हुई है कहने का मतलब साथियों। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।